हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लिमिट के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बनाएंगे जिसको अगर आप जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लंबा सा वो उसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन अगर आप ये ट्रिक जानते हैं, ये मेथड जानते हैं कि कैसे इसको शॉर्टकट वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको सिर्फ एक सेकेंड में इसका आंसर या दो सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जनरल मेथड से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आप कीजिए। ठीक है, अभी हम लोग इसको शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। तो मैं इसको इस प्रॉब्लम को देख के इसका आंसर मैं बता रहा हूं कि कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये आप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको देखते हैं हम लोग कि मैंने कैसे इसको सिर्फ देख के ही इसका आंसर बता दिया कि 8 होगा, इसका आंसर 6 होगा। देखिए क्या होता है कि जब भी लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब टेंडिंग वैल्यू उस प्रॉब्लम का हमेशा 0 होना चाहिए, और cos ax माइनस cos bx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ये अगर फॉर्म हो उस प्रॉब्लम में, तो इसका आंसर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहां पे आपको देखने की चीज ये है कि लिमिटिंग वैल्यू हमेशा 0 होना चाहिए, और यहां पे ये x जो यहां पे होगा, यहां पे x होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, ये b और ये a कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, यहां पे देखिए इसको मैं कैसे, पहले इसको देखिए, ये आप पहले आराम से समझिएगा तब ये अपने आप समझिएगा इसको कैसे मैंने सॉल्व किया। इसमें क्या है, cos ax, ठीक है, यहां पे a इक्वल टू कितना है 2। ठीक है, यहां पे b इक्वल टू कितना है 4, cos ax माइनस cos bx यही लिखा ना, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, b स्क्वायर इज 4 स्क्वायर। ठीक है, माइनस a स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दिस इक्वल टू 16। ठीक है, 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6 हो गया, बहुत इजी वे में। ये तो मैं इतना कैलकुलेशन किया आप तो देखते ही बता सकते हैं, 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसको देखिए, यहां पे 1 है, 1 माइनस cos 4x। ठीक है, तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को यहां पे लिख सकते हैं cos 0x, लिख सकते हैं ना, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, और ये यहां पे लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां पे a इक्वल टू कितना है 0, b इक्वल टू कितना है 4, तो 0 हो गया, तो इसका तो कोई सीन ही नहीं है यहां पे। ठीक है, तो अब ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा b स्क्वायर कितना है यहां पे 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 16/2 इक्वल टू 8। आंसर कितना सिंपल है ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, जिसको आप, जिसमें सिर्फ ऑप्शंस वाले होते हैं, बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे नहीं बना सकते जनरली। ठीक है, लेकिन जिसमें ए बी सी डी इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें इस मेथड से आप इसको देखते ही डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ और मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, ये देखिए, ये आप इसको सिर्फ आप भी इसको देख के डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा ये बताइए, ये क्या है, cos ax माइनस cos bx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, तो यहां पे क्या है b कितना है 10, तो हो गया 10 स्क्वायर माइनस कितना है ये 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 100 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया ये 36 डिवाइडेड बाई 2, दिस इक्वल टू 18। आंसर देखते ही बता सकते हैं आप। ठीक है, अब इसका आंसर बताइए, इसका आंसर कितना होगा, ये भी बहुत सिंपल है, कितना है ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये कितना है 3 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, अब कितना हो जाएगा ये 25 माइनस 9 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8। आंसर ठीक है, और बताइए इसका कितना होगा आंसर, दिस इक्वल टू, ये जो कॉस 0 वाला मैं फॉर्मूला बोला उस 0 को तो अब छोड़ ही दीजिए, अब डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ए स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखते हैं, तो a तो हमेशा 0 ही होता है यहाँ पे cos 0 में, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा cos b मतलब b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो इसका b कितना है 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। आंसर ठीक है, इसका देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं आप, 5 इंटू 5
25 डिवाइडेड बाई 2, यही हो गया इसका आंसर। अगर आप ये सब समझ गए हैं तो ये दो क्वेश्चंस आपके लिए है, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस दोनों का आंसर कितना होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 cos 25x माइनस cos 9x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, और दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos रूट 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो ये सब बहुत ही ये इस टाइप के क्वेश्चंस इस मेथड पे बनने वाले cos ax माइनस cos bx, ये बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अगर आपको ये पता है तो सिर्फ एक मिनट या मतलब हाफ मिनट में आप इसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप लिमिट के जितने भी और सारे वीडियोज हैं वो नहीं देखे तो आप देखिए, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर लिमिट बहुत स्टार्टिंग से बिगिनिंग से पूरा इंट्रोडक्शन से वहाँ से वन बाई वन पूरा लिमिट चैप्टर कवर किया हुआ है। आप वहां जाइए, बारी बारी से सबको देखिए, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा।